हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग बालक शब्द रूप सातों विभक्ति में एवं तीनों वचनों में हिंदी अर्थ के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले बालक शब्द रूप किसके लिए उपयोग में लाया जाता है? तो बालक शब्द रूप जो है वह हिंदी के लड़का या बालक शब्द के लिए यूज होता है, तथा ये इंग्लिश में बॉय के हिंदी अर्थ के लिए यूज किया जाता है। तो कोई भी आपसे पूछ सकता है, बालक पुल्लिंग शब्द रूप है या स्त्रीलिंग शब्द रूप है? तो बालक जो है वह अजंत अकारांत पुल्लिंग शब्द है। सभी पुल्लिंग अकारांत शब्द बालक शब्द रूप के अनुसार ही चलेंगे, जैसे गज, राम, देव, वृक्ष, सुर, मानव, अश्व, दिवस, ब्राह्मण, छात्र, सूर्य इत्यादि। तो चलिए अब बालक शब्द रूप को पढ़ा जाए तथा उसे कंठस्थ याद किया जाए। तो सबसे पहले प्रथमा विभक्ति में जो है बालक शब्द रूप एक वचन में बालका, द्विवचन में बालको और बहुवचन में बालका होता है। अब इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। तो बालका का इस्तेमाल एक बालक या बालक ने, एक बालक या बालक ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहीं बालकों का अर्थ होता है दो बालकों या दो बालकों ने। बालका का अर्थ होता है अनेक बालकों या अनेक बालकों ने। द्वितीय विभक्ति एक वचन में बालक शब्द रूप बालकम, द्वितीय विभक्ति द्विवचन में बालको और द्वितीय विभक्ति बहुवचन में बालकान होता है। बालकम का अर्थ एक बालक को, बालको दो बालकों को, बालकान अनेक बालकों को। तृतीय एक वचन में बालकेन, तृतीय द्विवचन में बालकाभ्याम, तृतीय बहुवचन में बालकह। बालकेन का अर्थ होता है बालक से, बालक के द्वारा। बालकाभ्याम का अर्थ होता है दो बालकों से, दो बालकों के द्वारा। बालकह का अर्थ होता है अनेक बालकों से, अनेक बालकों के द्वारा। चतुर्थी में एक वचन में बालकाय, चतुर्थी में द्विवचन में बालकाभ्याम, चतुर्थी में बहुवचन में बालकेभ्य। बालकाय का अर्थ होता है बालक को, बालक के लिए। बालकाभ्याम का अर्थ होता है दो बालकों को, दो बालकों के लिए। बालकेभ्य का अर्थ होता है अनेक बालकों को, अनेक बालकों के लिए। उसके बाद पंचमी एक वचन में बालकात या बालकाद, पंचमी द्विवचन में बालकाभ्याम, पंचमी बहुवचन में बालकेभ्य। यहाँ याद रखने योग्य ये बात है कि तृतीय, चतुर्थी एवं पंचमी द्विवचन में बालक शब्द रूप हमेशा बालकाभ्याम होता है, लेकिन इसके अर्थ अलग अलग होंगे। जैसे तृतीय द्विवचन बालकाभ्याम का अर्थ होगा दो बालकों से, दो बालकों के द्वारा। चतुर्थी द्विवचन में बालकाभ्याम का अर्थ होगा दो बालकों को, दो बालकों के लिए। वहीं पंचमी द्विवचन में बालकाभ्याम का अर्थ होगा दो बालकों से। तो अनुवाद करने वक्त आप या तो दो बालकों से या दो बालकों के द्वारा, दो बालकों को, दो बालकों के लिए या दो बालकों से इत्यादि के लिए आप बालकाभ्याम का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं चतुर्थी तथा पंचमी बहुवचन में बालकेभ्य होता है। बालकेभ्य चतुर्थी बहुवचन में इसका अर्थ होता है अनेक बालकों को, अनेक बालकों के लिए। वहीं पंचमी बहुवचन में इसका अर्थ होता है बालकेभ्य अर्थात अनेक बालकों से। तो बालकेभ्य जो है अगर अनुवाद करने वक्त अनेक बालकों को, अनेक बालकों के लिए या अनेक बालकों से को संस्कृत रूपांतरण करने के लिए आप बालकेभ्य का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब षष्ठी विभक्ति एक वचन में बालक शब्द रूप का रूप होता है बालकस्य, बालकयो, बालकानाम। षष्ठी एक वचन बालकस्य, षष्ठी द्विवचन
बालकयो षष्ठी बहुवचन बालकानां। बालकस्य का अर्थ होता है बालक का, बालक के, बालक की। बालकयो का अर्थ होता है दो बालकों का, दो बालकों के, दो बालकों की। वहीं बालका नाम का अर्थ होता है अनेक बालकों का, अनेक बालकों के, अनेक बालकों की। अब सप्तमी बहुवचन में, सप्तमी एक वचन में बालक शब्द बाल के, सप्तमी द्विवचन में बालकयो, सप्तमी बहुवचन में बालकेषु। तो बालके का अर्थ होता है बालक में, बालक पर। सप्तमी द्विवचन में होता है बालकयो, उसका अर्थ होता है दो बालकों में, दो बालकों पर। वहीं सप्तमी बहुवचन में बालकेषु, जिसका अर्थ होता है अनेक बालकों में, अनेक बालकों पर। अब यहाँ ध्यान देने योग्य ये बात है कि षष्ठी द्विवचन तथा सप्तमी द्विवचन बालकयो होता है। तो अगर संस्कृत अनुवाद करते वक्त दो बालकों का, दो बालकों के, दो बालकों की, या दो बालकों में, या दो बालकों पर इत्यादि का संस्कृत रूपांतरण बालकयो ही होगा। वहीं संबोधन में हे बालक, हे बालको, हे बालका। हे बालक का अर्थ होता है हे बालक, हे बालको का अर्थ होता है हे दो बालक। वहीं हे बालका का अर्थ होता है हे अनेक बालकों। तो इस तरह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए यह बालक शब्द रूप अत्यंत सरल तथा इसका हिंदी अर्थ भी आपको कंठस्थ हो गया होगा। धन्यवाद।